हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आजकल की बिजी लाइफ में लोग कितने परेशान हैं, ना सही से खाते हैं और ना ही सही से रह पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक बीमारी है कब्ज। आज मैं बताने वाली हूँ कब्ज किस वजह से होता है और इसे कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, सिगरेट लेना, अल्कोहल लेना, टाइम पे खाना ना खाना, लेट नाइट जागना, पौष्टिक आहार ना लेना, इनकी वजह से आप कब्ज के शिकार हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है ताकि आप कब्ज की बीमारी से दूर रहें। इसके बावजूद अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है तो आप कब्ज की परेशानी से दूर हो सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि दिन भर में पानी आप कम से कम 3 से 4 लीटर पीजिए, साथ ही ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खाना मत खाइए, जितनी आपको भूख हो उतना खाना खाइए, और टाइम पे यानी समय पर मल मूत्र का त्याग करें। इससे आप कब्ज की परेशानी से बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कब्ज से बचने के घरेलू तरीके। सबसे पहले हम लेंगे अदरक और थोड़ी सी नमक, इन दोनों को मिक्स करके चटनी बना लेंगे यानी पेस्ट बना लेंगे, और रोज़ाना 2 बार यानी सुबह और शाम इसका सेवन करेंगे। इससे आपको कब्ज से छुटकारा मिलेगा। अदरक हर घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और इसका पेस्ट बनाना बहुत ही आसान है। अदरक आप जितना खा सकते हो और स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इसका पेस्ट बना लें। ऐसा करने से आप कब्ज की परेशानी से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और उपाय बताऊंगी। दोस्तों, आपने करेला का नाम तो सुना ही होगा। करेला जितना कड़वा होता है खाने में, उतने ही ज़्यादा उसमें फ़ायदे होते हैं। करेले खाने से आप बहुत सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। करेला हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमें कब्ज से छुटकारा मिलता है, और साथ ही साथ करेले में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो आप हरी सब्जियों का सेवन करें, लेकिन करेला ज़रूर खाएं। इससे आपको कब्ज में बहुत आराम मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक और उपचार बताऊंगी। इसके लिए आपको चाहिए एक तांबे का बर्तन, जैसे जग या ग्लास जो आपके पास हो। इसमें हमें पानी डाल के पूरी रात छोड़ देना है। सुबह खाली पेट ब्रश करने से पहले 2-4 ग्लास पानी पीना है तांबे के बर्तन का। इससे पुरानी से पुरानी कब्ज बहुत जल्द ठीक हो जाती है, और ये करना आपके सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होगा। इसके अलावा आप त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच 1 ग्लास मीठे दूध के साथ ले सकते हैं। इससे आप कब्ज की परेशानी से दूर हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये आजमाया हुआ रामबाण नुस्खा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन। मैं आपसे फिर मिलूंगी नए नए घरेलू उपाय के साथ। तब तक के लिए आप लोग फिट रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।